क्या बोलती पब्लिक, मैग्नेट भाई फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया है। तो भाई लोग आज के वीडियो में ना मैं रिएक्शन देने वाला हूँ कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 15 के एक नए सॉन्ग के ऊपर जिसका नाम है मागरोन ला। दोस्तों हो सकता है कि मैं गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसे कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, मेरे को नहीं पता कौन सी लैंग्वेज में, लेकिन दोस्तों मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस गाने को सुनने के लिए। इससे पहले दोस्तों मैंने आई आई पसूरी पे अपना रिएक्शन दिया है, ये थर्ड सॉन्ग होगा कोक स्टूडियो पाकिस्तान से जिसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन देने वाला हूँ। अब देख लेते इसको गाया किसने, साबरी सिस्टर और रोजियो ने इसको गाया है। अब देख लेते कि इसको लिखा किसने है और कंपोज किसने किया, ये सब इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इसको लिखा है कंपोज बाय जुल्फी, अदनान धूल और रोजियो ने, रिटन बाय अदनान धूल, रोजियो और जुल्फी, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका वोकल्स दिया है साबरी सिस्टर्स और रोजियो ने। दोस्तों मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसको सुनने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाए तो दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं हेडसेट लगाता हूँ, आप फट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो को मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब देखते हैं कैसा है। आहा हा, सेट तो बहुत अच्छा लग रहा है। मागरोन ला, अच्छा सेट है। आहा गजरा फाके बैठी, आहा दुखड़े पहले आले मागरोन लाके बैठी, निमुकड़ा है दा मेरा मैं नजरा लाके बैठी, मैं कोड़ा बोल ना बोला मैं मिट्टा खाके बैठी, फुल्ला वाली टोकरी मैं रोड़ती, आहा हा मगरों ला के बैठी। फुल्लो ने एकदम शादी का सीन लग रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मस्त है। अरे एक दूसरे को चावल दे रहे थे। नजर तेरी सजा दूं, जलवों पे तेरे में लुटाऊं, कसम तेरी फिदा हूं। आहा हा ये महफिल तेरे नाम, तू बोले तेरे लिए सब खोना चाह दूं, ला के सब नखरे जान दे जिते ले चले रात तज मगरों ला मगरों ला। कितने चले हो आ फुल ऑन डांस। आहा
सुरमा ला के बैठी कुक स्टूडियो। तो पब्लिक, ये जो सॉन्ग था ना, मेरे को बहुत मस्त लगा। इससे पहले वाले भी सॉन्ग बहुत अच्छे लगे थे, ये भी सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। फुल ऑन एकदम इन्जॉय वाला सॉन्ग है, फुल ऑन शादी का मूड चल रहा है, मस्त में सेट है, अच्छे सिंगर है और म्यूज़िक बहुत अच्छा है। मतलब ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। आप उसको सुनोगे ना तो आपको ऐसा लग रहा है यार एक सेलिब्रेशन वाला सॉन्ग चल रहा है और आपको मज़ा आएगा सुन के। ऐसा नहीं कि बस सुन रहे हैं यार, मैं तो, आपने देखा होगा कि मैं जब सॉन्ग को सुन रहा था तो मस्त एकदम हैप्पी हो गया था, एकदम मतलब एक इन्जॉयमेंट हो रही थी, ऐसा लग रहा था। एकदम अच्छा सॉन्ग लगा मेरे को, मस्त में सब कुछ अच्छा लगा मेरे को लग रहा है ये कोक स्टूडियो पाकिस्तान वाले लगता है ऑलमोस्ट हर सॉन्ग को एकदम मस्त में एकदम फुल ऑन अच्छे से एकदम एक सेट अच्छा सा बना के एकदम मस्त में सबको इन्वॉल्व करके बना रहे। एकदम माहौल जो रहता है ना एकदम बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और साथ में जैसे इन लोगों ने बोला भी था कि साउंड ऑफ द नेशन करके गाना बना रहे, ये भी पंजाबी में ही था। इससे पहले एक था सिंधी में, एक पंजाबी में, और उससे पहले भी मैंने एक पसूरी किया था शायद, वो भी पंजाबी में ही था। तो मतलब ये लोग अलग अलग कल्चर को लेके आ रहे हैं, अलग अलग गाने को बना रहे हैं, अलग अलग आर्टिस्ट को लेके आ रहे हैं और बहुत अच्छे गाने बना रहे हैं। तो मेरे को ओवरऑल दोस्तों ये गाना बहुत ही अच्छा लगा और कोक स्टूडियो 15 पाकिस्तान का जो सीज़न 15 के अभी तक जितने भी सॉन्ग आए मेरे को सब अच्छे लगे। अगर दोस्तों आपको ये मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो।